इंडियन आइडल की सेकेंड रनर अप साइली काबले ने अपना सिंगल रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनकी फोटोज सामने आई हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। साइली ने मराठी फिल्म के लिए एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया है। यह फिल्म मलयालम मूवी का रीमेक है और इसे देखने के बाद फैंस साइली को बधाई दे रहे हैं। वहीं सिंगर ने कहा है कि वे खुद को खुद किस्मत मानती हैं कि उनकी झोली में यह गाना गिरा, वह भी रनर अप ट्रॉफी जीतने के अगले ही दिन। वहीं फिल्म मेकर ने कहा है कि साइली की आवाज़ में बेहतरीन टेक्सचर है और इसी ने उन्हें गाने के लिए साइली की ओर आकर्षित किया है। वे रियलिटी शो में साइली के सफ़र को देखते रहे हैं और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि महाराष्ट्र की लड़की मराठी में गा रही है। और इस गाने के कंपोजर ने कहा कि साइली टैलेंट हाउस है। जब डायरेक्टर ने उन्हें कॉल करके बताया कि साइली गाना गाने जा रही हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि वह मराठी मुलगी के रूप में जानी जाती हैं और साइली ने भी अपनी बेहतरीन आवाज़ से सभी को चौंका दिया। वहीं सुपरस्टार सिंगर 2 की कप्तान और इंडियन आइडल फेम साइली काबले पिछले साल अपने बॉयफ्रेंड धवल के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी और उनकी शादी के वीडियोज़ और फोटोज़ उनके खास दोस्तों और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट ने शेयर किए हैं। और साइली ने अभी अपने इंस्टाग्राम पर शादी की फ़ोटो शेयर की हैं। साइली के पति धवल ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया है और फैंस भी उनकी इस अदा पर फिदा हो गए हैं। इन फोटोज़ में साइली बहुत खुश नज़र आ रही हैं और उनकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। साइली काबले ने पति धवल के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी फ़ोटो शेयर की हैं। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पर्पल कलर की साड़ी, नाक में नथ, बालों में गजरा और मेहंदी रचे हाथों में हरी चूड़ियां पहने साइली का महाराष्ट्रीयन लुक उन पर बहुत जच रहा है।